you. What do you want to say and what kind of response you are getting? Well, song अभी release हुआ है सुबह 11 बजे तो अब तक का तो response बहुत अच्छा आया है. People are talking about the audio, people are talking about the video, दोनों ही बहुत अच्छे हैं and positive नहीं actually positive से थोड़ा better ही response आया है. So I'm really happy about that. So what do you want to say? अपना song जो notice में आया है ये बहुत अच्छा है और अच्छा response आ रहा है और positive way में चल रहा है. जब आपके पास ये song का offer आया तो आपका reaction क्या था? वेल जब मैंने ये ऑडियो सुना था तो हमारे पास जब ऑडियो आता है गाने का सो द ऑडियो वॉज सो अमेजिंग. इतना पेपी नंबर था दैट आई वाज लाइक कि ये गाना तो मुझे ही करना है. तो कमल जी ने मुझे गाना भेजा था ऐसा लाइक दिस सॉन्ग आई विल ओनली डू दिस सॉन्ग. ये बहुत ही ऑडियो इसका अच्छा है ये गाना क्लब्स क्योंकि अब सब क्लब्स ओपन हो चुके हैं. अब सिचुएशन इज बेटर इन द कंट्री सो आई थॉट दैट आई वॉन्ट टू डू दिस पार्टी क्लब डांसिंग नंबर. वेल ये हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है जो अभी रिलीज हुआ है 23 जनवरी को. हमारा सॉन्ग पल्लो लटके भी रिलीज हुआ था एंड द रिस्पॉन्स हैज बीन अमेजिंग फॉर पल्लो लटके इज वेल. सो काम तो हमेशा से दिग्या म्यूजिक के साथ कमल जी के साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है. ऐसा लगता है अपने बहुत ही कंफर्टेबल एनवायरनमेंट और एटमोसफेयर रहता है. सी गाना हिट है कि नहीं ये तो हमारी ऑडियंस डिसाइड करती है. सो आई वुड लाइक टू थैंक माय ऑडियंस कि वो गाने को हिट कर रहे हैं वो इतना अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं. सो आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द व्यूअर्स एंड ऑल द पीपल हु हैव बीन शेयरिंग पल्लो लटके का इतना पॉजिटिव रिस्पांस रहा है ऑन वेर यू टॉक अबाउट सोशल मीडिया यूट्यूब पे. इतने अच्छे हमारे 1 मिलियन क्रॉस हो चुका है और रील्स भी बन रही है नॉन स्टॉप. सो आई वुड लाइक टू थैंक एवरीबडी. ऐसे ही हमारे नॉटी सैया को भी प्यार दे प्लीज़. वेल इसके बाद हमारा नेक्स्ट सॉन्ग आ रहा है नरम काल जाओ और एक और बड़ा प्रोजेक्ट है जिसकी तैयारी हो रही है जिसके बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकती हूँ इस वक्त. बट इट्स अ वेरी बिग प्रोजेक्ट विद अ बिग सिंगर दैट वी प्लानिंग राइट नाउ. सो बहुत जल्दी आप सबको पता चलेगा उस गाने के बारे में. आगे किसके साथ काम करना पसंद करेंगे? वेल इन टर्म्स ऑफ सिंगर्स दे आर 2-3 सिंगर्स जिनके साथ काम करने की बात भी हो रही है और मैं करना भी चाहूँगी. वन इज़ हनी सिंह. आई रियली लाइक हिज म्यूजिक अ लॉट एंड आई रियली वॉन्ट टू वर्क विथ हिम. बादशाह के साथ मेरा गाना ऑलरेडी आ चुका है बट आई लाइक टू वर्क विथ हिम अगेन. एंड बीप्राग है जिनका आजकल बहुत ज़्यादा नाम है हमारी इंडस्ट्री में और बहुत अच्छा म्यूजिक और कॉन्टेंट देते हैं वो. तो होपफुली उनके साथ भी गाना जल्दी आएगा. Your Saiya is naughty enough on Valentine. So my Saiya is not naughty. So I am just here to watch your Saiya, who is like really naughty. And she is amazing, good dancer, beautiful girl. And today I am just here for her. And I just want to give her positive vibes, good vibes, because she has done a lot for this song. Put a lot of effort for this song. मेहनत बहुत की है. Yes. So मेहनत हमारी कामयाब हो रही है और हमारी लड़की naughty Saiya के साथ आगे चल रही है. आफ्ताब के साथ मेरी वेब सीरीज़ जो है वो नेक्स्ट मंथ 18th को रिलीज़ हो रही है. तो एक तो वो है रिलीज़. नेक्स्ट मंथ मूवी भी रिलीज़ हो रही है अर्शद वारसी और चंकी पांडे के साथ जिसका नाम है रोटी कपड़ा एंड रोमांस. तो बस ये दोनों छोटे छोटे सरप्राइज है फिर और आगे बढ़ा देती हूँ. वेल अभी एक्चुअली म्यूज़िक इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा अभी इन्वॉल्व हूँ म्यूज़िक इंडस्ट्री में कि मेरे अभी 8 म्यूज़िक वीडियो जो शूट हो चुके हैं. सो नेक्स्ट वीक आई हैव अ सॉन्ग लॉन्चिंग विद अर्जुन डिल्लो, होल्ड ऑन सॉन्ग का नाम है. उसके अगले हफ्ते है नरम कालजा विद दीप मनी. उसके अगले हफ्ते तो बेसिकली पूरे साल भर तो मीडिया वालों को इनवाइट कर रही हो. हाँ, कर रही आप लोग को हमारे सॉन्ग को सपोर्ट करना है. आप लोग को आना है हमारे सॉन्ग के लॉन्चेस पे. और लास्ट वीक आया था 23 जनवरी को मेरे बर्थडे पे पल्लो लटके जिसपे आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट दैट आई हैव गॉट फ्रॉम यू एवरीबडी टिल नाउ. और आगे भी ऐसे गानों को देखते रहे. और एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में अनाउंसमेंट आप सबके साथ ही करूँगी मैं. यस वेल मेरा ये मानना है कि लता जी कहीं भी गई नहीं है. उनकी आवाज़ लेजेंड्स नेवर डाई. उन्होंने कहा जाता है कि वो हमारी संगीत की इंडस्ट्री में 8वां सुर मानी जाती है. तो
उन मतलब पहले तो हम किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था, बट फिर भी हम लोग को ऐसी फीलिंग आती कि उनके इतने उन्होंने इतना कुछ दिया है ना हमारे, हम पूरे भारत को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को इतना कुछ दिया है, इतनी मधुर आवाज़, इतने सारे गाने दिए हैं कि वो अभी तक हमारे बीच में है। तो मैं ये नहीं मानती कि उनको हमें श्रद्धांजलि देनी चाहिए कि वो जा चुकी है, वो अभी भी हमारे बीच में हमेशा रहेंगी। सो आई बिन एक्चुअली यू नो दीप्ति एंड मी वी वर्क टुगेदर लॉन्ग बैक एंड दैट टाइम वी वर बोथ आई थिंक दैट वाज इन आवर स्ट्रगलिंग डेज ओनली, इनिशियल स्ट्रगलिंग डेज एंड ऑल। तो उसके बाद she got busy with her stuff, I got busy with my stuff. Today I've reconnected with her after very long time and this is a very pleasant surprise because I'm getting to see her after disappearing. I'm getting to see her straight in a very very big manner and I'm very excited for you. I'm very happy for you that you know you've done so well. This is amazing. You're looking very amazing and I really really want the song to do well. Thank you so much. पूछिए जान के बहुत सारे projects आ रहे हैं। मैं थोड़ा सुमू उनके बारे में बस अभी म्यूजिक वीडियोस एंड ऑल के लिए कर रहा हूँ, थोड़ा फिट हो रहा हूँ लाइफ में, मतलब यू नो बहुत मोटा था पहले तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेक केयर ऑफ, ये लोग को देख के हम लोग को भी करना पड़ेगा। हाँ वी हैव टू कीप अस एज फिट बिकॉज दीज गाइज लुक सो गुड, दे सेट द गोल्स यू नो एंड या thank you. I'm doing a few music videos with a few people. I would not want to take hamara bhi project aane wala hai bahut jaldi. Mujhe Dipti ka naam actually do teen baar you know various random logo se aaya, to I was telling her that only ki you know we're going to work very soon together because I've heard your name a lot of times and yes there are a lot of things coming up and abhi bas makeover and all kar raha tha, isi sab ke liye kar raha tha, abhi aap logo ko dekhne milega jaldi. Thank you so much. Thank you. Congratulations to Dipti and Kamal ji. और मैंने वीडियो देखा है, इट इज़ ऑसम एंड बेस्ट विशेस, और व्यूज़ भी बढ़ते जा रहे हैं और आई होप कि आपको मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज़ मिले। थैंक यू दादा, थैंक यू। एंड इट्स अ मस्ट वॉच, इट्स एब्सोल्युटली ऑसम एंड स्टनिंग। एज एन एक्टर इस वीडियो में एक्ट करना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि मैं तो सेकंड टाइम कैमरा फेस कर रहा था, तो मेरे लिए तो सब कुछ ही नया था वहाँ पर तो, बट फिर भी मैं देखता हूँ कि ऑडियंस कितना प्यार देती है और कितना मुझे सम्मान मिलता है। सो बेसिकली कमल जी इज द मैन बिहाइंड दिग्या म्यूजिक एंड द प्रोड्यूसर फॉर ऑल द सॉन्ग्स, सो बट स्टिल हम लोग पुश करते हैं कि नहीं कमल जी आपको स्क्रीन पे आना चाहिए, थोड़ा फेस रिकग्निशन होना चाहिए, आप लुक्स अच्छे आते हैं, सो यू शुड डू दिस। सो दैट इज़ रीजन वाई ही इज़ देयर ऑन स्क्रीन एंड ही इज़ बीन डूइंग अमेजिंगली वेल। आई थिंक दिस सॉन्ग इज रियली अमेजिंग, आई कैन वाउच फॉर दैट, ही इज़ अमेजिंग एक्चुअली, बोथ यू गाइज आर रियली रियली अमेजिंग इन द वीडियो। थैंक यू कमल जी, तो शुरुआत कर दी एक्टिंग का, आगे क्या फिल्म बनाने का है, क्या करना है, बताइए बताइए। मैं बचपन से सिनेमा टेलीविज़न देखते हुए आ रहा हूँ और बहुत ही मतलब मेरे जो जिनको मैं पसंद करता हूँ, तो मैं भी चाहता था कि कभी इनके जैसा मैं भी बनूँ, और फिर मैं बिजनेस में लग गया तो बिजनेस करने लगा, देन आज बिजनेस स्टेबल है तो मैंने सोचा कि अब मैं थोड़ा सा टाइम मैं अपने लिए निकाल के तो मैं एक्टिंग करने लगा, और मैं चाहता हूँ कि जो सिनेमा घर के जो दिग्गज कलाकार हैं उनके जैसा मैं भी बनूँ आगे, बस यही। वेल इस वक्त तो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट हिम, वैसे मेरी अमेज़ॉन की सीरीज़ आ रही है, बट दिस इज़ नॉट द राइट प्लेटफॉर्म टू स्पीक, आज इनका दिन है तो म्यूज़िक वीडियो के बारे में ही बात होगा। थैंक यू सो मच।